हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पे जाके क्लास 11 की प्लेलिस्ट में देख सकते हो क्लास 11 केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो उससे पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। तो आपको पता है जो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन जो होता है, कोई भी स्टेट फंक्शन होता है, किसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तभी इसको हम स्टेट फंक्शन या फिर आप पॉइंट फंक्शन भी कहते हो। पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, या फिर आप स्टेट फंक्शन भी इसे कह सकते हो। तो जो पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन इज द स्टेट फंक्शन, तो वो फंक्शन या वो क्वांटिटी जो होती है जो केवल स्टेट पे डिपेंड करती है, एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में कैसे जाते हो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप स्टेट ए टू स्टेट बी पे गए हो तो आपने कोई भी पाथ फॉलो किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग इज कि इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। तो आपको ऑलरेडी पता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन कब होती है, एट इन एडियाबैटिक कंडीशन क्यू इज इक्वल टू जीरो, जहां पे देयर इज नो हीट सप्लाई बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो डेल्टा टी आपको पता है दिस इज आइसो थर्मल प्रोसेस, डेल्टा पी ये होता है आपका आइसो बारिक प्रोसेस, और क्यू इक्वल टू जीरो जहां पे होता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कंबशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मीथेन होता है हमारे पास CH4। अब इस CH4 का हम कंबशन करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कंबशन जब हम इसका करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है CO2 प्लस H2। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, करेक्ट, CO2 प्लस H2O, तो ये हो जाएगा 2H2O, और ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लीजिए। अब मीथेन होती है गैस, करेक्ट, ऑक्सीजन भी होती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी है गैस, और वाटर जो है दैट इज अ लिक्विड, करेक्ट, ये क्या है, एक लिक्विड है। नाउ अब ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, तो आपको बताना है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। अब टी क्या है, आर क्या है, फिलहाल इस पे हम नहीं जाते हैं, आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। हमको क्या पता करना है कि डेल्टा एच की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं करनी है, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू हमको नहीं दी है। तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा यू कितना है, दैट इज माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू दे गई है डेल्टा यू की। प्लस डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी इज द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। सो यहाँ पे देखिए CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके कितने मोल हैं, 1, माइनस यहाँ पे देखिए 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ मीथेन, तो 2 + 1 यानी कि 3, तो 1 - 3 ये डेल्टा एन जी हो गया इंटू आर टी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 RT, यानी कि माइनस एक्स माइनस और भी ज्यादा कम है, और भी माइनस करना पड़ रहा है डेल्टा यू को। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2 RT, क्योंकि माइनस एक्स क्या है, डेल्टा यू है, तो ये डेल्टा यू से क्या है, कम आ रहा है डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा यू माइनस 2 RT आ रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज लेस देन डेल्टा यू, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन, ये तीनों चीजें आपको दी गई हैं, और आपको पता करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो CH4 का जब कंबशन होता है यानी कि CH4 प्लस 2O2, ये फॉर्म क्या करता है CO2 प्लस 2H2O, करेक्ट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू दी है दैट इज माइनस 890, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं
डेल्टा एच वन, इसको डेल्टा एच वन मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको डेल्टा एच वन मान लेते हैं। तो डेल्टा एच वन कितना दिया हुआ है हमको, दैट इज -890.3 किलो जूल पर मोल। अब दूसरी चीज भी आपको दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। मीथेन का तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी आपको पता करना है यहाँ पे, यानी कि आपको एक्चुअली दी गई है, तो हमको यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ग्रेफाइट होता है कार्बन, ग्रेफाइट को जब हम बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं, तो ये फॉर्म करता है CO2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन टू। यहाँ पे डेल्टा एच टू ऑलरेडी हमको दिया गया है, डेल्टा एच टू यानी कि इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और वो कितना दिया गया है, वो यहाँ पे दिया गया है ग्रेफाइट का है -393.5, तो -393.5 किलो जूल पर मोल। देन उसके अलावा डाई हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, तो वो होती है H2 प्लस आपके पास आता है O2 विल फॉर्म H2O। नाउ अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखोगे, जनरली आप लोग गलती क्या करते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिख देते हो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सपोज जैसे इक्वेशन 3, तो यहाँ पे डेल्टा H3 हो जाएगा, दैट इज -285.8। वैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन किलो जूल पर मोल हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे वो इक्वेशन में नेगेटिव में दिया हो या नहीं दिया हो, इसका आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि मैंने यहाँ पे 2H2 और यहाँ पे 2H2 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने 2H2O नहीं लिखा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डाई हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो जिसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन या जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसका आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन में उसका कोफिशियंट सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन के आगे आप 2 या 3 या 4 ऐसा कुछ नंबर नहीं लगा सकते, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो इसका आप ध्यान रखोगे हमेशा, जिसका भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका कोफिशियंट 1 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन को। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। अब मुझे चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस कंपाउंड के कंपोनेंट्स, अब देखो मीथेन के कंपोनेंट्स कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मीथेन बनेगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को जब आप प्रिपेयर करते हो उसके एलिमेंट से, तो उसमें एंथैल्पी चेंज कितना होता है, तो ये हो गया आपका C+H2 will form CH4, करेक्ट। तो यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन दिया हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे मीथेन का एक ही मॉलिक्यूल आएगा, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं डेल्टा एच, इसके लिए कितना लगेगा, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन आपको ये समझने पहले कि आएगी कैसे, तो आएगी कैसे, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन से, क्योंकि कार्बन कौन सी इक्वेशन में हमारे पास, सेकंड इक्वेशन में है, करेक्ट। उसके अलावा हाइड्रोजन कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में है, करेक्ट। और मीथेन कौन सी इक्वेशन में, मीथेन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि जो इक्वेशन ये आई है हमारे पास, ये कैसी आई है, ये आई है इक्वेशन टू, ये रही हमारे पास इक्वेशन टू, करेक्ट, प्लस इक्वेशन 3। लेकिन इक्वेशन में 3 में अगर आप देखोगे तो इक्वेशन 3 में केवल एक हाइड्रोजन है, जबकि हमको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इक्वेशन 3 को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 2 × इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। अब आप कहोगे कि मैंने इक्वेशन 1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में जो CH4 है वो रिएक्टेंट साइड में है, जबकि हमको किस साइड में चाहिए, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आप चेक करके देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू 2 कर दूंगा, तो देखिए C+H2 2H2 हो जाएगा, करेक्ट, और O2+O2 यहां पे देखिए 2O2 हो जाएगा, -2O2, तो 2O2 - 2O2 कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिए CO2 और 2H2O, CO2 और 2H2O सब कैंसिल हो जाएगा, -CH4 दूसरी साइड में चला जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यानी कि डेल्टा एच भी क्या आएगा, आप यहाँ पे हेसेज लॉ यूज करोगे, तो हेसेज लॉ क्या कहता है कि एंथैल्पी जो होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इन डिफरेंट स्टेप्स। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में क्या, इक्वेशन 2 यानी कि इक्वेशन 2 में डेल्टा एच कितना था, दैट इज डेल्टा एच 2 प्लस इक्वेशन ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 यानी कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच 3 माइनस डेल्टा एच 1 इक्वेशन 1 के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एच 2 सेकेंड इक्वेशन में देखिए कितना आया, दैट इज -393.5
प्लस टू इंटू डेल्टा एच थ्री, तो डेल्टा एच थ्री आप देख सकते हो दैट इज माइनस 285.8, तो माइनस 285.8 माइनस तीसरा क्या है यहां पे माइनस 890.3, डेल्टा एच वन आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा दैट इज 890.3, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू ऑप्शन ए है दैट इज माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हेसेज लॉ पे बेस्ड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी प्लस क्यू इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। इसमें एंट्रोपी चेंज क्या है, यानी कि डेल्टा एस जो है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, क्यू इज हीट, तो आप देख सकते हो दैट इज क्यू, क्यू इज नेगेटिव, क्यू अगर नेगेटिव है यानी कि हीट इसने रिजेक्ट किया, लूज किया हीट, तो जितनी हीट लूज किया यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज लेस देन जीरो। अब ये पूछ रहा है द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, तो हमको ये देखना है कि रिएक्शन पॉसिबल कब होती है। आपको पता है कोई भी रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी की वैल्यू जो है क्या हो, नेगेटिव हो, यानी कि लेस देन जीरो हो, और यहाँ पे डेल्टा जी आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ अब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच क्या है लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव है, यानी कि डेल्टा जी जो है इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा एच इज नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव यानी कि माइनस कॉमन आ जाएगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन जीरो, इस केस में डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए डेल्टा जी तो डेल्टा एच तो ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि इसने दिया हुआ है, क्योंकि हीट लूज कर रहा है तो ये इसकी जो एंथैल्पी है वो कम होगी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में कुछ माइनस कर रहे हो क्योंकि डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस को माइनस कर रहे हो क्योंकि नेगेटिव में एक पॉजिटिव नंबर को आप माइनस करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ही नेगेटिव आएगी, डजंट मैटर कि टेम्परेचर क्या है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, डजंट मैटर कि टेम्परेचर क्या है, ये वाला जो प्रोसेस होगा वो हर टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, हीट कितनी एब्जॉर्ब की, यानी कि क्यू, क्यू इज इक्वल टू 701 जूल, और यानी कि एब्जॉर्ब की, तो आपको पता है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, एंड 394 जूल वर्क, तो वर्क डन कितना है 394 जूल। अब ये वर्क कौन करता है, बाय द सिस्टम, और आपको बताया गया है कि अगर सिस्टम वर्क करता है तो वो नेगेटिव होता है, यानी कि W को हम क्या लिखेंगे, माइनस 394 जूल। और अब हमको पता करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो दैट इज इक्वल टू 701 प्लस माइनस 394 जूल, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल इसको ऐड कर लीजिए 701 जूल है माइनस 394 जूल, ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 307 जूल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 307 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अ रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये रहा आपके पास साइनामाइड, साइनामाइड होता है NH2CN विद डाई ऑक्सीजन वॉज कैरीड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक्चुअली रिएक्शन क्या है कि ये हम बर्न करते हैं साइनामाइड को, तो साइनामाइड को जब हम बर्न कर रहे हैं NH2CN प्लस O2, करेक्ट, तो डेल्टा यू वॉज फाउंड टू बी माइनस 742.7 किलो जूल पर, तो जब हमने इसको बर्न किया तो ये क्या किया इसने, इसने फॉर्म किया, ध्यान रखिए जब इसको हम बर्न करते हैं तो क्या क्या फॉर्म करता है, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस होती है, साइनामाइड भी एक गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास एक गैस है, तो बर्न किया तो नाइट्रोजन गैस प्लस साथ में क्या फॉर्म करता है, वाटर जो कि एक लिक्विड है, तो H2O प्लस साथ में क्या फॉर्म करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 गैस, तो ये एक गैस फॉर्म करेगा, H2O लिक्विड होता है, ये H2O लिक्विड होता है, इसका ध्यान रखोगे आप। तो यहां पे ये कह रहा है कि डेल्टा यू जो है इसके लिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू -742.7। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एच के लिए क्या चाहिए होता है, दैट इज डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन से गैसियस, ध्यान रखिए केवल गैसियस प्रोडक्ट, लिक्विड को नहीं काउंट करते हम इसमें। तो ये हो गया नाइट्रोजन, इसका 1 मोल है, प्लस और कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी 1 मोल है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, तो आप बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 1 + 2 = 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2। अब आप फिर से ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला था, रिएक्शन साइनामाइड की है, तो साइनामाइड की रिएक्शन है, तो साइनामाइड का आप केवल और केवल 1 मोल लोगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो देख लेते हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, यानी कि 1 + 3/2, 1 + 3/2 कितना होता है, 1.5, तो 2 - 2.5 दैट इज -0.5। अब हमको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, -742.7 kJ/mol। ठीक है, उसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, डेल्टा एन जी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर हमको पता है, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है हमको 298 केल्विन। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, जब हम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा एन जी आर टी जो आता है वो SI यूनिट्स में आता है, और डेल्टा यू देखिए यहाँ किस में लिखा हुआ है, किलो जूल पर मोल में लिखा हुआ है, जबकि किस में होना चाहिए, जूल पर मोल में। तो इसको आप जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लोगे, पहले 742.7 × 10³ किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना मत भूलिए, जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये मिस्टेक जो होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक हमेशा करते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। डेल्टा एन जी आर टी जनरली किस में आता है, ये आता है SI यूनिट में, तो इसको आप SI यूनिट में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्लस डेल्टा एन जी कितना है हमारे पास, दैट इज -0.5 × R, R की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 8.314 × टेम्परेचर आपको दिया हुआ ऑलरेडी 298 केल्विन, तो दैट इज इक्वल टू, आप इसकी आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 743938.78 जूल। अब ये जूल में आ रहा है, वो भी माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस ही हो जाएगा, तो इसकी आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, तो आप कह सकते हो डेल्टा एच इक्वल टू इतना, या फिर अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कह सकते हो -74.39 kJ/mol। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 °C टू आइस एट 10 °C। तो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ दिया हुआ है, साथ में आपको हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी दी हुई है, करेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी दी हुई है, मोलर हीट कैपेसिटी दोनों की दी हुई है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमको फ्रीज करना है वाटर एट 10 °C टू आइस एट -10 °C, तो उसमें क्या करेगा, हीट लूज करेगा। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हीट क्या करेगा, लूज करेगा, तो वो खैर अपने आप ही मिल जाएगा आपको। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसेस समझ लेते हैं, 1 मोल वाटर है तो नंबर ऑफ मोल दैट इज एन इंटू सीपी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको मैं CPW लिख लेता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि ये दी हुई हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक नहीं यहाँ पे मोलर हम लोग लेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 0 फाइनल है -10 प्लस, इसमें साथ में क्या आ जाएगा, जो हम लूज करेंगे क्योंकि हम इसको फ्रीज कर रहे हैं, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है, तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए ये किलो जूल में दिया हुआ है जबकि यहाँ पे जूल में दिया हुआ, तो इसका आपको ध्यान रखना है, तो 6.03 × 10³ प्लस साथ में क्या आ जाएगा, एन, एन तो वन ही हमारे पास, तो एन को आप हटा सकते हो यहाँ से, तो एन वन ही हमारे पास, तो सी इस जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ
आइस, तो सीपी आई से डिनोट करता हूं, इनटू यहाँ पे आइस के आ जाएगा जो कि 36.8 दिया हुआ है आपको, तो ये आपका सीपीआई हो गया। दिस इज ये हो गया आपका सीपीडब्ल्यू वाटर के लिए, करेक्ट। और क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर है -10 -0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन की वैल्यू 1 है, वाटर की आपको हीट कैपेसिटी दी हुई है दैट इज माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा -75 × -10 - यहाँ पे देखिए 6.03 × 10⁻³ दिया, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 6030 माइनस, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने माइनस अंदर लिखा हुआ तो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आइस के लिए दिया हुआ है 36.8, तो 36.8 × यहाँ पे प्लस आएगा फिर -10। नाउ इसका जो वैल्यू आती है दैट इज 750 + 6030 + ये हो गया आपका पास, ये 775.3 था यहाँ पे, तो 753 हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए, ये हो जाएगा 753, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 753 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 75.3 था तो 753 हो जाएगा -6030 और ये नेगेटिव आएगा माइनस, ये हो जाएगा 368। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ये कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को कंबशन कार्बन का करते हैं, तो C+O2 विल फॉर्म CO2, ये कह रहा है कि इसके लिए जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच इक्वल टू कितना है -393.5 किलो जूल पर मोल। देखिए कितना आसान सा इक्वेशन है। अब आपको पूछा गया है कि हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए पर मोल है -393.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक मोल कार्बन को बर्न करते हो, तो अगर एक मोल कार्बन को बर्न करते हो तो आपको पता है एक मोल कार्बन को बर्न करने पे, अगर एक मोल कार्बन को बर्न करते हो तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है, यानी कि एक मोल यानी कि मोलर मास जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है, ये आपको कैलकुलेट करना ऑलरेडी आता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 44, तो ये 44 ग्राम होता है, तो वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कह सकते हो कि इसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कितनी हीट रिलीज कर रहा है, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है एटमोस्फेयर में, कितना 393.5 किलो जूल पर मोल, तो यहां पे आप कह सकते हो कि हीट रिलीज्ड कब हो रही है हीट रिलीज, इन फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे आप कह सकते हो इन फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कितनी हीट रिलीज हो रही है, दैट इज इक्वल टू 393.5 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। अब आप कहोगे कि मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है कि ये हीट रिलीज हो रही है, तो अब आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि ये हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो अब आप कह सकते हो हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ, अब सिंपल यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो 35, ये मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं, 2 ग्राम ऑफ CO2, भाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए कितने रिलीज हो रही है, 393.5 किलो जूल रिलीज हो रही है, तो फिर 1 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी 393.5 डिवाइडेड बाय 44, और 35.2 के लिए कितनी हो जाएगी, इंटू कर लेंगे 35.2, तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, तो दैट इज इक्वल टू, इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ये लगभग आ रहा है आपके पास 314.8 किलो जूल पर मोल, या मोल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये 314.8 किलो जूल हीट रिलीज होगी अगर आप क्या करते हो 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और N2O4 आर दिस रिस्पेक्टिवली, तो ये वैल्यूज आपको दी हुई, तो यानी कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O2 और N2O4 चारों दिए हुए हैं, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, N2O4 का दिया हुआ है, CO का भी दिया हुआ है, N2O का भी दिया हुआ है और CO2 का भी दिया हुआ है। तो फिर हम जब सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो फिर ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। आप कहोगे कैसे आसान हो जाता है, तो आपको एक चीज पता होगी कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, यहां पे ध्यान रखिए, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखिए, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन कौन से है मेरे पास, यानी कि N2O, तो यहां पे डेल्टा, यहां पे सम नहीं लगाता हूं मैं, यहां पे डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ किसकी, N2O प्लस एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा H CO2 माइनस क्या हो जाएगा, N2O4, एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा H इन द फॉर्मेशन ऑफ N2O4 माइनस डेल्टा H। यहां पे एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूं, एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहां पे कोफिशिएंट लगाना मत भूलना क्योंकि ये पर मोल में होती है और यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो 3 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 मोल है, तो उसका कोफिशियंट लगाना उसके साथ मत भूलिए, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, डेल्टा एच N2O का है तीसरे नंबर पे, यानी कि 81, N2O का कितना है 81, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ CO2। अब देखिए CO2 कहां पे दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है दूसरे नंबर पे, यानी कि -393, तो 3 × -393 माइनस N2O4 जो है वो लास्ट वाला है, दैट इज 9.7, तो हो जाएगा -9.7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे पहला वाला है दैट इज -110, तो -110, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 81 प्लस 110 यानी कि 81 माइनस 393, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू -1179, ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस ये 9.7 एज इट इज रहेगा और ये प्लस 330 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 411 माइनस ये हो जाएगा 79 माइनस 9.7 यानी कि 1188.7 एंड दैट इज इक्वल टू, इसके आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आ रहा है हमारे पास -777.7 किलो जूल पर मोल। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन आपके पास था, तो अगर आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया होता है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना मत भूलना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिवन N2 प्लस 3H2 विल फॉर्म 2NH3, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर होता है। मैं यहाँ पे गैस मेंशन नहीं कर रहा हूं, आप मेंशन कर लीजिएगा, और यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ है रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू -92.4 किलो जूल पर मोल। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आपको व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे डेल्टा नॉट होता है एक्चुअली, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस पता करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस पता कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे 1 चाहिए होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा रिएक्शन को, यानी कि 3/2 N2 1/2 N2 + 3/2 H2 विल फॉर्म NH3।
और इस इक्वेशन के लिए जो डेल्टा एच होगा या डेल्टा एच नॉट होगा वो पिछली इक्वेशन को, क्योंकि मैं हमने हाफ कर दिया, तो इस पिछली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ -92.4 एंड दैट इज इक्वल टू 46.2 किलो जूल पर मोल, वो भी नेगेटिव में। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे ना कि ये इक्वेशन। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इस इक्वेशन की, वो इस इक्वेशन के डबल है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल अमोनिया के फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे कह सकते हो दो मोल अमोनिया के फॉर्म हो रहे हैं, जबकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर मोल में होता है, तो हमको एक मोल के लिए इक्वेशन चाहिए होती है ना कि दो मोल के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे वन मोल के लिए इक्वेशन लेंगे, और वन मोल करने के लिए हमको हाफ करना पड़ेगा, तो इसलिए डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास वेरियस इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन वन मान लेते हैं, इक्वेशन टू मान लेते हैं, और इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। आपको पता है अगर आपको CH3OH फॉर्म करना है, तो आपको पता है फॉर्म किससे करना होता है, उसके एलिमेंट से, तो C हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो C प्लस H2 प्लस O2 विल फॉर्म CH3OH। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हमको ये इक्वेशन चाहिए होगी, कैसे, तो बैलेंस कीजिए, 2H2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा हाफ O2, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे एक ही इसका मोल आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा, यहाँ पे आप 2 करके बैलेंस मत कीजिए इसको किसी भी हालत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, तो यहाँ पर हमको ये इक्वेशन इन तीन इक्वेशन की हेल्प से कैसे मिलेगी, हम वो चेक करते हैं। तो कैसे मिलेगी, तो देखिए हमको कार्बन चाहिए, कार्बन इस इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन 2 में, हमको हाइड्रोजन चाहिए, हमारे पास हाइड्रोजन जो है इक्वेशन 3 में, हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो 3 इक्वेशन 3 को क्या कर लेते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करेक्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन, उसके अलावा ऑक्सीजन भी हाफ ऑफ 2 यानी कि 1 हो जाएगा, और ये 2H2O फॉर्म कर लेगा। अब हम इसको जरा ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 2 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 माइनस हम इक्वेशन 1 को कर लेते हैं, माइनस क्योंकि हमने, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है ना ये रिएक्टेंट साइड में, इसको उल्टा करना है तो माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ऐसे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2H2 प्लस ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे O2 है क्योंकि हाफ का मैंने डबल कर दिया, तो ये O2 हो जाएगा प्लस O2, ये हो जाएगा आपका 2O2, और ये माइनस 3O2 है, 3/2 O2 यानी कि हाफ O2 हो गया, विल फॉर्म यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म करेगा, CO2 तो कैंसिल हो जाएगा, CO2 माइनस CO2 2H2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा माइनस CH3OH जो था इस साइड, वो इस साइड आ जाएगा, यानी कि ये CH3OH बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे मिली हमको ये इक्वेशन, इक्वेशन 2 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। और अब इसको मिल, क्योंकि ये इक्वेशन हमको मिल चुकी है, तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज हेसेज लॉ यूज करेंगे हम लोग। तो हेसेज लॉ क्या कहता था कि अगर कोई भी रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है तो डेल्टा एच जो होगा दैट इज सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन ऑल द स्टेप्स। तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 में जो लगा था, इसको हम डेल्टा H2 मान लेते हैं, इसको हम डेल्टा H1 मान लेते हैं, और इसको डेल्टा H3 मान लेते हैं, तो दैट इज H1 H2 H3। तो यानी कि डेल्टा पहले इक्वेशन 2 था, तो डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1, ट्वाइस ऑफ डेल्टा H3 है यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा H3 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा H2 कितना दिया आपको, माइनस 393 प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस 286 प्लस माइनस 2726 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू आती है आप बहुत इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाता है दैट इज इक्वल टू माइनस 239 किलो जूल पर मोल। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन, ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि कैसे इक्वेशन बनेगी और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड एंड एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस ये है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो गैस है वो कार्बन गैस, और कार्बन गैस यानी कि एटोमाइज कार्बन, और क्लोरीन गैस भी नहीं है, क्लोरीन एटम्स फॉर्म करती है। तो इस प्रोसेस के लिए आपको एंथैल्पी पता करनी है। तो अब ये करेंगे कैसे हम, तो ये करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिये सबसे पहले हमारे पास CCl4 जो है ये गैस है, करेक्ट। तो CCl4 तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, लिक्विड में। तो ये CCl4 लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वैसे तो होगा नहीं, बट हम को जो हमारे पास होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है।
अब यहां पे देखिए CCl4 गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको दे रखा है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है 30.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहाँ पे हम वेपराइज नहीं कर रहे, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा इस केस में, इसको हम डेल्टा एच वन मान लेते हैं, तो डेल्टा एच वन कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं 30.5 किलो जूल पर मोल। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बार कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड हाई हो चुका है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम कार्बन और CCl4, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना वो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड के लिए ही होती है, ना कि गैस के लिए, तो इसलिए लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो CCl4 जो लिक्विड है हमारे पास, ये लिक्विड क्या फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म करता है प्लस 2Cl2 क्लोरीन फॉर्म करता है। अब आप कहोगे इसके लिए कैसे हम पता करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कितना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -135। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्म नहीं कर रहे, हम उल्टा कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को उल्टा कार्बन और 2 क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन तो डेल्टा एच टू मान लेते हैं इसको। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव था तो साइन भी अपोजिट हो जाएगा अगर हम प्रोसेस रिवर्स करेंगे तो। दैट इज 135.5 किलो जूल पर मोल ये हमारे पास आ गया। अब जो कार्बन है, ये कार्बन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास कार्बन है ये सॉलिड में होता है, और ये जो कार्बन होता है, क्लोरीन तो गैस ही होती है खैर, तो कार्बन जो सॉलिड होता है, सॉलिड कार्बन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन गैस में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए ये कह रहा है कि डेल्टा एच होता है, इसको हम डेल्टा एच थ्री मान लेते हैं, तो डेल्टा एच थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से समझिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। एटोमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि कार्बन एटम के एक एक एटम्स को, कार्बन के एक एक एटम्स को सेपरेट करके उसको गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज इक्वल टू 715 किलो जूल पर मोल। नाउ लास्ट है हमारे पास एक क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस क्योंकि मुझे क्या बनाना है, इसको सीएल एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो कह रहा है कि Cl2 मॉलिक्यूल्स को Cl एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, ये भी गैस है, दोनों गैसेज ही होती हैं, बट ये एटम्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये अंतर है दोनों में, तो उसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना होता है, दैट इज डेल्टा H4। डेल्टा H4 भी दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 242 किलो जूल पर मोल। नाउ अब हमको एक काम करना है, हमको इस एंथैल्पी का रिएक्शन पता करना, तो देखिए हमने क्या किया, पूरा प्रोसेस, पहले ये काम किया, फिर दूसरा ये काम किया, फिर तीसरा ये काम किया, और फिर चौथा ये काम किया, फाइनली हमको क्या मिल गया, कार्बन गैस और सीएल गैस मिल गई, मतलब सीएल एटम्स मिल गए। तो इसके लिए जो डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर। बस एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे हमको 4Cl एटम्स चाहिए थे और यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में हमको केवल 2Cl एटम्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच फोर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वन। डेल्टा एच वन कितना आ रहा है हमारे पास, डेल्टा एच वन -30.5 प्लस डेल्टा एच टू हमारे पास 135.5 प्लस 715 प्लस 2 × 242। आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लीजिए, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, आप इसको कैलकुलेट करके आराम से इसका आंसर लिख सकते हो, 1304 किलो जूल पर मोल ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कि आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस हेसेस लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कि पहले जो CCl4 गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर लिक्विड को रिएक्ट करके, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ था, तो हम यहां से उल्टा भी कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन की भी रिएक्शन पता कर सकते हैं, देन उस कार्बन जो सॉलिड है उसको कन्वर्ट किया गैस में, और क्लोरीन गैस को क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट किया। एक और चीज यहाँ पे पूछी जा रही है कि कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड्स। तो अब एक सिंपल सी चीज है, CCl बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, तो आपको ऑलरेडी पता है कि बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता क्या है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगती है, वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो CCl4 में देखिए, CCl4 में कितने बॉन्ड्स होते हैं, CCl4 में बॉन्ड्स होते हैं, देखिए कार्बन CL 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 CL, चार बॉन्ड्स होते हैं करेक्ट, और एक मोल CCl4 को ब्रेक करने के लिए आपको इतनी एनर्जी लग रही है, और एक मोल में कितने बॉन्ड्स हो गए, चार बॉन्ड्स हो गए, चार मोल बॉन्ड हो गए। तो बॉन्ड एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ CCl बॉन्ड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ 1304, यानी कि दैट इज इक्वल टू एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इक्वल टू
326 किलो जूल पर मोल। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया, CCl4 के बॉन्ड्स को ब्रेक करके कार्बन कार्बन अलग कर दिए और क्लोरीन क्लोरीन अलग कर दिए, और उसके लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगी वो लगी 1304 किलो जूल एक मोल के लिए। लेकिन एक मोल में चार CCl बॉन्ड्स होते हैं, तो वन मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 1/4 हो जाएगी उसकी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, ये रिएक्शन दी हुई है, तो 298 केल्विन पे ये दिया हुआ है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू दी है। अब आपको पूछा है कि व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको पता है डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, और डेल्टा जी यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन जीरो। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी हुई है 400। अब ये बोल रहा है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस को आप हमेशा कांस्टेंट समझिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू 400 किलो जूल दी हुई है पर मोल, माइनस टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस भी क्या दिया हुआ है 0.2, तो टी इंटू 0.2 इज लेस देन जीरो, तो 400 क्या हो जाएगा इज लेस देन 0.2 टी, और आप ये कह सकते हो 0.2 टी इज ग्रेटर देन 400, तो टी शुड बी ग्रेटर देन 400 डिवाइडेड बाय 0.2। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन है, तो टी इज ग्रेटर देन 400 बाय 0.2 यानी कि 2000 किलो जूल या 2000 केल्विन, नॉट किलो जूल। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, टेम्परेचर 2000 केल्विन से ऊपर होना चाहिए इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द रिएक्शन 2a plus b forms 2c plus, तो 2a plus b जो है वो 2c फॉर्म करता है, डेल्टा यू दिया हुआ है आपको, डेल्टा यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा यू इज इक्वल टू -10.5, और डेल्टा एस भी आपको दिया हुआ है, डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू -44.1, और क्योंकि एस नॉट ये स्टैंडर्ड होता है, तो टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे 298 केल्विन होगा, ये आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब यहाँ पे कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, तो डेल्टा जी के लिए तो डेल्टा एच चाहिए, तो पहले डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ पे किलो जूल ध्यान रखना, किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, और यहाँ पे जूल में दिया हुआ है, यहाँ पे जूल पर मोल पर केल्विन में दिया हुआ, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा एन जी आर टी, नाउ दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना दिया हुआ है हमको, दैट इज -10.5, और एक किलो जूल में दिया हुआ, तो इनपुट क्या करना पड़ेगा 10^3 प्लस डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी देखिए गैसेस रिएक्टेंट में कितने हैं 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं 2, और रिएक्टेंट में देखिए 2+1 इसका है, ये हो जाएगा 3, तो 2-3 ये डेल्टा एन जी हो गया इंटू आर यानी कि 8.314, ये तो हमेशा SI यूनिट में ही आता है, इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू -12977.572 जूल। नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमको डेल्टा जी पता करना है, तभी पता चलेगा कि ये डेल्टा जी जो है वो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी से ही पता चलेगा स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना आया हमारे पास -12977.572 माइनस टी डेल्टा एस, टी कितना है 298 इंटू डेल्टा एस भी दिया हुआ है -44.1, तो ये हो जा रहा है हमारा -12977.572 प्लस ये हो जाएगा 13141.8, और ये जो आंसर आ रहा है आपके पास, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है तो पॉजिटिव में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 164.228 जूल, जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, तो आई होप कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10 एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। तो आपको एक इक्वेशन पता होगी कि डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, यानी डेल्टा जी नॉट होता है आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, यानी स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी माइनस यहाँ पे प्लस 2.303 आरटी लॉग के होता है, करेक्ट। अब अगर लॉग के है यानी कि यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, और आपको पता है कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा जी जो हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, तो यानी कि डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। और आपको क्या दिया हुआ, के की वैल्यू भी दी है 10 और टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है दैट इज 300 केल्विन, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको डेल्टा जी नॉट पता करना है। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 इंटू आर, आर कितना है हमारे पास 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 इंटू लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 1। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास दैट इज इक्वल टू माइनस 5744.1462 जूल। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत आसान ये भी क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।